नमस्ते दोस्तों। तो दोस्तों, पिछली तासिका में हमने हमारी कक्षा आठवीं में जो हमारा हिंदी विषय है, उस हिंदी विषय में जो तीसरा गद्य पाठ था, उस तीसरे गद्य पाठ के बारे में पिछली तासिका में हमने अच्छी तरह से अध्ययन किया था। तो जिस तरह से हमारे हिंदी सुलभ भारती इस पाठ्य पुस्तक में जो दूसरी इकाई का जो तीसरा गद्य पाठ है, जिसका नाम है लकड़हारा और वन, तो ये जो गद्य पाठ है, तो इस गद्य पाठ के पहले दृश्य का हमने पिछली तासिका में अच्छी तरह से अध्ययन किया था। तो आज हम इसी लकड़हारा और वन इस गद्य पाठ का जो दूसरा दृश्य है, इस दूसरे दृश्य के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि पिछली तासिका में मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था कि जो लकड़हारा और वन ये जो गद्य पाठ है, वह एक एकांकिका के रूप में लेखक अरविंद भटनागर जी इन्होंने प्रस्तुत किया हुआ है। तो एकांकिका किसे कहते हैं, ये भी मैंने आपको पिछली तासिका में अच्छी तरह से समझ कर दिया था। और जो लेखक अरविंद भटनागर जी है, इनका भी परिचय हमने अच्छी तरह से देख लिया था। फिर भी आज हम जो लकड़हारा और वन इस एकांकिका का जो दूसरा दृश्य है, उस दूसरे दृश्य के बारे में हम चित्रों के जरिए ही अच्छी तरह से पढ़ाई करने वाले हैं। तो एकांकिका यानी क्या, भक्ति की एक महत्वपूर्ण विधा है। विधा यानी प्रकार, तो साहित्य का एक महत्वपूर्ण प्रकार है जो एकांकिका है। तो एकांकी है, एकांकिका यानी नाटक। तो जिस तरह से नाटक होता है, उसी तरह से एकांकिका प्रस्तुत की जाती है। जो लेखक अरविंद भटनागर जी है, इन्होंने लकड़हारा और वन इस गद्य पाठ से संबंधित, इस एकांकिका से संबंधित दो दृश्य बताए गए हैं, जिसमें जो पहला दृश्य हमने देखा था, जिसमें लकड़हारा ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान थे और लकड़हारे की पत्नी थी और एक हरा भरा पेड़ था। तो इनका हमने जो संभाषण के रूप में, एक एकांकिका के रूप में जो चित्रों के जरिए अच्छी तरह से अध्ययन किया है, तो उसी तरह से जो इस गद्य पाठ का, इस एकांकिका का जो दूसरा दृश्य है, वह भी एक नाटक के रूप में ही, एक एकांकिका के रूप में ही लेखक अरविंद भटनागर जी इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो इन दोनों एकांकिका के माध्यम से, ये दोनों दृश्यों के माध्यम से हमें जो सीख मिलती है, तो लेखक ने हमें वृक्षों का महत्व और उनकी उपयोगिता, इनके बारे में विचार करने के लिए प्रेरित किया हुआ है। और साथ ही मेहनत, ईमानदारी और छोटे परिवार का महत्व भी हमें समझाने का प्रयास किया हुआ है। तो इस तरह से पिछली तासिका में जो हमने अच्छी तरह से संदेश सीखा ही था, तो चलो आज हम जो लकड़हारा और वन है, इस एकांकिका के जो दूसरा दृश्य है, उस दूसरे दृश्य को हम चित्र के माध्यम से अच्छी तरह से समझकर लेते हैं। ठीक है, देखो छात्रों, जो हमारी कक्षा आठवीं की हिंदी सुलभ भारती इस पाठ्य पुस्तक में जो हम तीसरा गद्य पाठ सीख रहे थे, जिसका नाम है लकड़हारा और वन, तो इसके पहले दृश्य के बारे में हमने पिछली तासिका में अच्छी तरह से अध्ययन किया है। तो चलो आज हम इस लकड़हारा और वन, इस एकांकिका का जो दूसरा दृश्य है, इसके बारे में अच्छी तरह से चित्रों के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं। तो अच्छी तरह से ध्यान देकर सुनिए। तो जिस तरह से मैंने आपको पहली तासिका में, पिछली तासिका में जो बताया,
कि जो एकांकिका है वह एक नाटक की तरह ही प्रस्तुत होती है, तो हम इस एकांकिका को चित्र के माध्यम से समझकर लेते हैं। तो जैसे कि दूसरा दृश्य में मंच पर लकड़हारा सो रहा है और उसकी पत्नी उसे आवाज देती है। पत्नी लकड़हारे की पत्नी लकड़हारे से कहती है, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? देखो, घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत होकर सोना। तो यह एक मुहावरा है जो हमने फलक पर देखा ही है। तो लकड़हारे की पत्नी लकड़हारे से कहती है कि आपको आज लकड़ियां काटने नहीं जाना है, क्या आप निश्चिंत होकर सो रहे हो? तब लकड़हारा अपनी पत्नी से कहते हैं, जाता हूं भगवान। और फिर लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है और मन ही मन सोचता है। देखो वो मन ही मन में क्या सोचते हैं, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं, जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। देखो जो लकड़हारा हाथ में कुल्हाड़ी लेकर मन ही मन सोचता है, तब वह यह सोचता है कि जिधर देखो दूर तक जंगल का कोई पता नहीं है और जो जंगल के पेड़ थे वो तो कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं बड़े बड़े सीमेंट के जंगल। यानी अभी हमें ज्यादातर कहीं पर पेड़ और पौधे नहीं दिखने के लिए मिलते हैं, तो उनकी जगह पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हुई दिखाई देती है। अचानक लकड़हारे को चोट लगती है, वह चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है और कहता है, आहा कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालते हुए लकड़हारा सोचता है और कहता है, चलो यही सही, इसे ही साफ करें। देखो जब लकड़हारे को चोट लगने पर जब वह चीख उठता है, तब वह एक पेड़ के नीचे ठंडी छांव में बैठता है, तब वह उसी पेड़ को काटने का विचार करता है। तब आगे देखो, पेड़ लकड़हारे से कहता है, अरे अरे यह क्या कर रहे हो? लकड़हारा आसपास नजर दौड़ता है, यानी यहां वहां देखता है और फिर चौंक कर आश्चर्य होकर कहता है, कौन? तब पेड़ लकड़हारे से कहते हैं, अरे भाई यह तो मैं हूं। लकड़हारा बहुत डर जाता है और डर कर कहता है, कौन? भूत? तब पेड़ लकड़हारे से कहते हैं, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूं। लकड़हारा आश्चर्य से होकर कहते हैं, पेड़? क्या तुम बोल भी सकते हो? पेड़ लकड़हारे से कहते हैं, भाई मुझ में भी प्राण है, तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? तब लकड़हारा पेड़ से कहता है, तो क्या करूं, चार चार बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। तब पेड़ लकड़हारे को समझाते हुए कहता है, अरे भाई अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए हैं कि मैं तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूं। तब लकड़हारा पेड़ की बात सुनकर कहते हैं, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है?
तो पेड़ लकड़हारे से बात करने लगते हैं, मैंने कब कहा उपकार है भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह से जानते ही हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। फिर लकड़हारा पेड़ की बातों का जवाब देते हुए कहते हैं, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। तब पेड़ लकड़हारे की बात सुनकर कहते हैं, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए अपना उनका घर उजाड़ दोगे? तब लकड़हारा पेड़ की बात सुनकर कहता है, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं? पेड़ कहता है, मेरा मतलब यह नहीं है, यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी? और एक दिन, इतना कहकर पेड़ शांत हो जाते हैं। फिर लकड़हारे को बात समझ में आती है और वह पेड़ से कहता है, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तब पेड़ लकड़हारे को समझाते हुए कहता है, कम से कम अपने हाथों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो, कभी हरा भरा पेड़ मत काटो। देखो, यहाँ पर एक मुहावरा आया है, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, यानी खुद अपना नुकसान करना। समझ में आ गया? तो पेड़ लकड़हारे को समझाते हुए कहता है कि कम से कम अपने हाथों से ही अपना खुद का नुकसान मत करो, अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो, कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। फिर लकड़हारा हामी भरता है और उसी समय पर्दा गिर जाता है। देखो, हामी भरना यानी स्वीकार करना। समझ में आ गई? देखो, आपको लकड़हारा और वन, इस दूसरा दृश्य। तो इन दोनों दृश्य से हमें जो सीख मिलती है कि वृक्षों का संवर्धन और संरक्षण करना मनुष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। देखो, अगर इस पर्यावरण को अच्छी तरह से संतुलित रखना है तो हमें पेड़ और पौधों को कट जाने से बचाना चाहिए, ना ही लालच में पड़कर हमें पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। तो इस एकांकिका के दूसरे दृश्य से हमें समझ में आता है कि अगर छोटा परिवार होता है तो वह सुखी परिवार कहलाता है। अगर परिवार में ज्यादा सदस्य होंगे तो हमारी मुश्किलें उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसलिए परिवार को छोटा रखने में सभी को योगदान देना होगा। तो यही सीख हमें इस दूसरे दृश्य से सीखने के लिए मिलती है। तो कवि अरविंद भटनागर जी, इन्होंने लकड़हारा और वन इस गद्य पाठ से जो एकांकिका प्रस्तुत की हुई है, जिसमें पहला दृश्य और जो दूसरा दृश्य हमने सीखा, इन दोनों दृश्य से हमें यही सीख मिलती है और यही संदेश मिलता है कि अगर हम पर्यावरण को बनाए रखने के लिए हमेशा हमें वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन पर आवश्यकता पर जोर देना चाहिए। वृक्ष हमारे मित्र होते हैं, हमें उनका संवर्धन करना चाहिए। मेहनत व ईमानदारी से व्यक्ति जीवन में सफल होता है, छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। इसलिए परिवार को छोटा रखने में सभी को योगदान देना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो अच्छी तरह से पढ़ाई करो। तो दोस्तों, जिस तरह से हमने चित्र के माध्यम से जो लकड़हारा और वन इस दूसरे दृश्य का जो हमने अच्छी तरह से अध्ययन किया है, जिस तरह से लकड़हारा और वन इस
दूसरे दृश्य में तीन पात्र हमें दिखाई देते हैं। तो पात्र यानी क्या? किरदार। तो जो लकड़हारा है, लकड़हारा यानी जो लकड़ियों को काटने वाला होता है उसे लकड़हारा कहते हैं, और लकड़हारे की पत्नी है, और तीसरा है वह है हरा भरा पेड़। चलो मैं एक बार फिर से आपको समाज के रूप में इस दूसरे दृश्य के बारे में समझाता हूं, तो अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। देखो, मंच पर लकड़हारा सो रहा है और मंच के पीछे से उसकी पत्नी उसे आवाज दे रही है। तो पत्नी लकड़हारे से कहती है, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हैं वो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? तो देखो, तो लकड़हारे की पत्नी जो उन्हें संबोधती है जो रामू के बापू नाम से, यानी लकड़हारे और लकड़हारे की जो पत्नी है इनका जो बेटा है रामू नाम का, तो लकड़हारे की पत्नी लकड़हारे को रामू के बापू इस नाम से संबोधित करती है, पुकारती है और उनसे कहती है कि आज लकड़ियां काटने नहीं जाना है, आज घोड़े बेचकर सो गए हो। तो जो मुहावरा जो आ गया है घोड़े बेचकर सोना, तो इसका अर्थ है निश्चिंत होकर सोना। देखो, इसका अर्थ समझकर आपको इसका वाक्य में उपयोग करना आना चाहिए। जिस तरह से हमने पहली इकाई में जो गद्य पाठ सीखे है वाक्यों में उपयोग किस तरह से करना होता है, यह मैंने आपको अच्छी तरह से समझकर भी दिया हुआ है। तो आपको अपने वाक्यों में इन मुहावरों का प्रयोग अपने वाक्य में करना है, ठीक है? तब लकड़हारा जाग जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, जाता हूं भगवान। तो वो भी अपनी पत्नी को किस नाम से संबोधित करते हैं? भगवान। फिर लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चला जाता है और वह मन ही मन सोचता है कि जिधर देखो दूर दूर तक कहीं जंगल का पता ही नहीं, जो पेड़ थे वो तो कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं ये सीमेंट के जंगल। यानी जो पेड़ है वो कटते जा रहे हैं और पेड़ों की जगह बड़े बड़े इमारतें यहाँ पे बन रही है, तो इसे ही सीमेंट के जंगल कहा गया है। तब अचानक लकड़हारे को चोट लगती है और वह चीख उठता है और एक पेड़ की हरे भरे पेड़ की छाया में बैठ जाता है और कहता है, आहा कितनी ठंडी छाया है, और अपनी कुल्हाड़ी संभालते हुए उस पेड़ की छांव में अपनी सारी थकान दूर कर देता है। फिर वह उसके मन में विचार आता है कि क्यों ना अभी इसी पेड़ को हम काटे। तब जैसे ही वह कुल्हाड़ी चलाने की कोशिश करता है तभी पेड़ उसे आवाज देता है, अरे अरे यह क्या कर रहे हो। तब लकड़हारा घबरा जाता है, इधर उधर देखता है कि कौन बात कर रहा है। तब पेड़ कहता है, डरो नहीं, मैं हूं पेड़ हूं पेड़। तब लकड़हारा आश्चर्य से कहता है, पेड़ क्या तुम बोल भी सकते हो? तब पेड़ कहता है, हाँ मुझमें भी प्राण है, प्राण यानी जान, मुझमें भी जान है, और तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? बेकसूर यानी निर्दोष, तुम मुझ निर्दोष पर क्यों वार कर रहे हो, मेरा कसूर क्या है? तब लकड़हारा कहता है, तो क्या करूं, चार चार बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। देखो, जो लकड़हारा है लकड़ियां काटकर उसे बेचकर अपनी रोजी रोटी का अपने परिवार का पेट चलाता है। तब पेड़ कहता है, अरे भाई अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख होगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो, तुम यह भी भूल गए हो कि हम ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा पानी और भोजन सभी कुछ हम ही देते हैं।
जिस तरह से पेड़ लकड़हारे को समझाते हैं, तब लकड़हारा उसका जवाब देते हुए कहते हैं, यह तो तुम्हारा काम ही है, इसमें कार की क्या बात है। तब पेड़ कहता है, अरे भाई मैंने कब कहा उपकार है, पर यह तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि बिना हवा के, बिना शुद्ध हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और वो शुद्ध हवा करने का काम हम ही तो करते हैं। फिर लकड़हारा कहता है, तुम्हारी बात तो ठीक है, किंतु मेरे सामने भी तो समस्या है, मेरे सामने भी तो परेशानी है, मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा। पेड़ कहता है कि यदि तुम इस तरह से हमें काटते रहोगे तो ये बेचारे जो वन्य पशु है वह कहाँ जाएंगे, क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे। तब लकड़हारा भी कहता है, तो क्या फिर मैं अपना घर उजाड़ दूं। पेड़ कहता है कि मेरा मतलब यह नहीं है, तो यदि तुम इसी तरह पेड़ काटते रहोगे तो अच्छी वर्षा कैसे होगी। और फिर एक दिन इतना कहकर पेड़ शांत हो जाता है। लकड़हारा फिर कहता है कि तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो पेड़ लकड़हारे को समझाते हुए कहता है, कम से कम अपने पैरों पर अपने ही हाथों से कुल्हाड़ी मत मारो। देखो यहां पर एक मुहावरा आया है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना यानी खुद अपना नुकसान करना। तो पेड़ लकड़हारे को समझाते हुए कहती है कि खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो, खुद अपना नुकसान क्यों कर रहे हो, कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चे के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। देखो तो ये जो सब एकांकिका जो नाटक चल रहा है वो एक मंच पर चल रहा है, और हरा भरा पेड़ लकड़हारे को समझाते हुए और लकड़हारा पेड़ को अपनी परेशानी की बातें बताते हुए यह एक मंच पर सब दृश्य चल रहा है। तब लकड़हारा हामी भरता है, हामी भरना यानी स्वीकार करते हुए यह कहता है कि तुम्हारी बात सही है, और इसी समय पर्दा गिर जाता है और यह एकांकिका यहाँ पर समाप्त हो जाती है। देखो जिस तरह से इस लकड़हारा और वन इस दूसरे दृश्य से हमें जो सीख मिलती है कि छोटे परिवार का जो महत्व है वह हमारे जीवन में कितना अनन्य साधारण है, यानी कितना महत्वपूर्ण है। अगर छोटा परिवार होता है तो वह परिवार सुखी परिवार कहलाता है। जिस तरह से हमें जो परिवार में जो जरूरती चीजें लगती है, तो परिवार में हमारे अधिक सदस्य होने के कारण हमारी कुछ इच्छाएं हमें मारनी पड़ती है और हमें अधिक खर्चा भी आ जाता है। तो इसी दृष्टि से अगर हमारा छोटा परिवार होता है तो वह सुखी परिवार होता है। इस तरह से लेखक अरविंद भटनागर जी इन्होंने छोटे परिवार का महत्व समझाते हुए वृक्षों का महत्व भी समझाया हुआ है। अगर पेड़ पौधे ये वृक्ष नहीं होंगे तो अच्छी तरह से वर्षा नहीं होगी, वन्य पशु पक्षी भी नहीं रहेंगे, और जो पेड़ों के कारण जो अच्छी सी वर्षा होती है, अच्छी बारिश होती है, तो हमें पीने के लिए पानी भी नहीं मिल पाएगा, जो हमें फल फूल और लकड़ियां मिलती है तो वो भी हमें नहीं मिल पाएंगे। तो इस तरह से वृक्षों का महत्व समझाते हुए यह एकांकिका का दूसरा दृश्य यहाँ पर समाप्त हो जाता है। समझ में आ गया? तो अच्छी तरह से आप इस
गद्य पाठ का इस एकांकिका का अच्छी तरह से प्रकट वाचन और मौन वाचन करो और इस गद्य पाठ पर जो प्रश्न पूछे हुए हैं उन प्रश्नों के उत्तर को भी समझकर लेने की कोशिश करो। आगे की तासिका में हम जो इस गद्य पाठ पर जो सवाल के जवाब है, जो प्रश्नों के उत्तर है, वो परीक्षा में हमें किस तरह से पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम अगली तासिका में अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह से पढ़ाई करो। धन्यवाद।